अब तो यहाँ झंझट है कि सोना में भगवान है कि सोना में कलयुग है, क्या है। तो संत महापुरुषों ने फैसला कर कि परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसमें भगवान का दास है। चोरी बेईमानी गलत पैसा से जो सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास है। विचार याद रखिए। कुछ माँ बहन क्या करती है, अलग पठवा पोसे, ये पठवा केकरो मजाल से बेच लेती, पठवा नक मुन्नी लेबे, आधा उम्र बीत गेले हम सोना नक मुन्नी नहीं पिन्हे। अब विचार, सोना के नक मुन्नी पिन्हे में पठवा के गल्लो कटबैते मन पठवा के जन जैतै त जैतै, लेकिन हम सोना के नक मुन्नी पिन्हबे तो समझ जाइए उसी सोना में तो कलयुग का वास हो जाएगा। इसलिए गलत पैसा से सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास। जीवन में चाहिए परिश्रम की रोटी खाना चाहिए, पसीने की रोटी खाकर जो जीते हैं उन्हें जीना कहते हैं। किसी महिला के फटे आंचल को सीधे उन्हें बुलाना कहते हैं। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि क्या क्या सोना का त्याग करते हैं अहंकार हो जाएगा, सोना पर विश्राम करेंगे तो भी अहंकार हो जाएगा। सोना एक प्रकार का धन है। बहुत आदमी को अहंकार भी होता है, बन लिया 70 बीघा जमीन, हमरा कमी जरा 70 बीघा, तोरे 70 बीघा, बीच हम तोरा पड़वाने निकली जाए तब के बीघा। आपके शरीर का कोई डॉक्टर ने अभी तक टेंडर नहीं दिया है कि 100 बरस तक इसी तरह से रही है। रोड का टेंडर ठेकेदार लेते हैं, स्कूल बनाने का टेंडर लेते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आदमी का टेंडर लिए हैं कैसे आप कहते हैं 70 बीघा बीच पड़ा निकली जाए बेटा, बहुत खर्चा करते ना, छोट टेलर कटिहारी जैसे हाय ले बटे सर, कटिहारी के खिलेते पूरी जिलेबी, पूरी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खा ले यही ना तोरो समय पूरी जी 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 घाटों पर पूरी सस्तो ने जे बड़ा महंगा पूरी जे हो बाबा, पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले यही ना तोरो समय पूरी जे तो जिलेबी का कहना है हम मैं जी घुमुआ घुमुआ बोलो चु खाए ले घोड़ी के घोड़ जो उन्होंने घोड़ी फड़ यही घाटों में बेकर मनुष्य को जिलेबी से जान लेना चाहिए। कटिहारी ने ले जे कटिहारी घर हम दस्ता याद नहीं छे ना, चाहते तो जलाए चलो ये तेल, लेकिन 150-200 आदमी कहने ले जे छे बुले जे छे जे घो दिखाए दे जहां बाबू के देबे वहां तो हु जे भो न चलो अपनो जगह देखे उ जगह देखे ले विचार। आप तो यहां 4 उंगली जमीन के लिए लड़ते हैं, जिस जमीन के रसीद कटाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, कितना घूस देते हैं, लेकिन जिस जमीन पर आपका शरीर चलेगा उस जमीन का आप कभी रसीद नहीं कटाएंगे,
वहां कभी लड़ाई करने आप नहीं गए हैं। ये ठा हम में जलवे तो दूसरा कहने जलवे जुए ठा हम में जलवे ये जगह हम लोग ये ठा हम में जलवे हटो कभी लड़ाई करने गए हैं आपको जाने से पहले वहां 1.5 लाख 2 लाख नहा से जल गया उसी पर आप जाते हैं जलने के लिए। उस जगह का नाम है शमशान। शम मतलब बराबर। जय जगह पर गेला के बाद सबके संग बराबर हो जाए ओकरा के जे शमशान। वहां कोई ने बोला पर जे हम गाड़ी निकाली के तब ये लो छोड़िया कोई ने बोल 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 कोई लोग वाने बोले हैं गेहूं दौनी करी डरम में दे दे तब ये लो सब मतलब बराबर। जहां जाने के बाद कचिया चलाने वाले पंजाब में रहने वाले अंबाला में रहने वाले गाड़ी चलाने वाले पायलट चलाने वाले कोई भी आदमी हो वहां जाने के बाद सबका शान बराबर उसे कहते हैं शमशान। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं जीवन में चाहिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।